वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस भी आ रही होगी मुर्गे बोलने की। कहते हैं ना सुबह सुबह को मुर्गा बोलता है। और यहाँ पे बाबू है, बाबू भी खेल रहा है, शोर मचा रहा है। तो बस अभी हम सुबह को ही लग गए हैं काम करने, मतलब अपना चिप्स की तैयारी करने। तो यहाँ पर चिप्स हमें और ये मेरी नंद ही लगती हैं, मामी की मतलब मम्मी की भाई की लड़की है ये। तो हम लोग आलू छील रहे हैं और उसके बाद चिप्स आस तोड़ेंगे। और यहाँ पे आलू छील रहे हैं, अभी एक बाल्टी बनाएंगे और बाकी फिर मीठे थोड़े से बनाएंगे व्रत के लिए। और यहाँ पंखा रखा है, इसको ही मुझे खोलना है, इसको साफ़ करना है। तो गर्मी आ गई ना, थोड़ा लगाएंगे ऊपर पंखा। बाबू कहता है गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। और मैं अभी जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते में कुछ हैवी खाना बना लेती हूँ, मतलब नाश्ता। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इडली सांभर बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है। और मैं ये भी जो स्वाति हैं ये वाली, मतलब मम्मी की भाई की लड़की, इनका भी नाम स्वाति है, तो इनको भी बना के खिला दूँगी। इन्हें भी कभी खाया नहीं था, मतलब देखा खाया होगा, फिलहाल घर पर अभी तक नहीं बनाया मैंने जब से आई हैं ये। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो बोल भी रही भाभी मुझे बताना कैसे बना रही हो, तो वो भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे इतने छिल गए काफ़ी हैं, तो मैंने कहा कि चलो अब तुम दो तीन और छील लो, उसके बाद फिर बस करना फिर। और मैं चली गई किचन में। तो किचन में यहाँ पे देखिए मैं इडली सांभर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ चटनी बना रही हूँ मूँगफली की। तो उससे पहले छिक्कल उतारना है ना, तो मूँगफली को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी मतलब ऐसे। और उसके बाद ये देखिए हमारी सांभर और ये मूंगफली की चटनी और ये रवा डोसा का मतलब रवा है। और यहाँ पे पापा की प्लेट मैंने तैयार कर दी है, ये बिना नमक की है प्लेट, मतलब बिना नमक की इडली, बिना नमक की चटनी, और उसमें कुछ भी नमक नहीं पड़ा है पापा के लिए। तो हम लोग ने नाश्ता कर लिया, इडली सांभर, और अभी देखिए चिप्स बना रहे हैं, कस रहे हैं, और ये ऐसे आ रहे हैं ना ज़्यादा, मतलब सही, मतलब ऐसे ही आ रहा है, क्या करें। इतनी सारी देखिए मशीनें हैं, सब ट्राई कर ली हैं। फिर जे मशीन ये है, ये है, कोई सी मशीन ही नहीं काम कर रही है। और सबकी ले लेके आए, देख रहे हैं कौन सी काम कर रही है, बट ऐसे ही काम कर रही है। और हाथ भी कट रहा है इनसे, बड़ी मुश्किल में कसे जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी तो काम चला ले रहे हैं। फिर बाजार जाएंगे, लेके आएंगे चिप्स वाली मशीन। अभी जितने छीले हैं उतने तो ऐसे ही कस ले रहे हैं और ऊपर बन रहे हैं। मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोग को कैसे बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं ना। मैं नीचे ही कस, ऊपर बहुत धूप है, सर में भी दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं गई। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, तब दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर बना रहे हैं चिप्स, वो रखे हैं आधे, और इसमें पतीली में अजवाइन, नमक और सोडा डाल दिया है। तो चूल्हे पे बना रहे हैं और उधर फैल रहे हैं, दिखाते हैं आपको अभी। सोडा ही तो है थैल इसमें, सीसी में सोडा और अजवाइन है ना। पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि मैं नीचे थी और ऊपर सोनम बना रही थी ये चिप्स। कहाँ पे फैल रहे हैं वो भी दिखा दे रही हूँ। शुरू के जो थोड़े से हैं वो थोड़ा पतले होगा, क्योंकि मशीन ठीक नहीं थी, और अभी थोड़े ठीक आए हैं। लला हट जा वहाँ से, अजय कल वाले हैं। ये आलू जो चिप्स बनाए थे उनके पीछे का ये बचा हुआ है, वो आलू है। तो इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस कट कर, ऐसी कट कट भी नहीं करें, मतलब ऐसे ही है ये, देख सकते हैं पीछे के। तो इसको ऐसे ही छोंक दूंगी ये हरी मिर्च से। तू इधर आ, मुझे जुकाम है बहुत तेज़ से, मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी हो रही है। हरी मिर्च जीरे से छोंकूंगी और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, तो सिंपल सा छोंकूंगी और थोड़ी सी बस पूड़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे डाल देती हूँ जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते, हरी मिर्च। तो ये बिल्कुल सादा आलू बनाऊंगी, देख सकते हैं मिर्ची भुन गई है। और अभी
नमक ले लेंगे थोड़ा सा, पाव पतली दलिया बना देंगे। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी आलू गलने के लिए, और अब बस इसको पकने देंगे। और मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं डाला, बस सब्जी बन जाएंगे तो मैं धनिया डाल दूँगी, हल्की सी काली मिर्च डाल दूँगी, बस इसी काली मिर्च। तो आलू हमारे गल गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डाल दे रही हूँ मैं काली मिर्च पाउडर, और ये पूरा बहुत सारा हरा धनिया, और बहुत बढ़िया लगती है। इसके साथ मैं थोड़ी सी बना दूँगी बच्चों के लिए पूरी, ये देखिए। ये हमारी सब्जी जो है बनके रेडी हो गई है, देख सकते हैं आलू की एकदम सादा सब्जी। और अभी मुझे आलू ये सब सेट करने हैं, सड़े गले हटाने हैं, उससे पहले मुझे करना है पूरी, बाद में बनाऊंगी। पहले ये कपड़े भीग रहे हैं, इनको धुलना है, बच्चों की ड्रेसें हैं इनको धुलना है पहले, उसके बाद नहाऊंगी, फिर कुछ करूंगी मैं। पर निकालूँ इनसे, कल इन्हें पंखा खुलवाया था तो पंखा अब लगेगा, गर्मी आने लगी है तो ये निकाल के ही नहीं गए, पर मुझे छुरी से निकालना पड़ रहा है। ठीक है, इनको धुल दूँगी, बहुत गंदे हो रहे हैं फिर, और ये जो है ये पोंछ लूँगी, फिर आज लग जाएगा पंखा। गर्मी लगने लगी बहुत, अब धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ने लगी थी, तो ये शाम की ठंड है केवल, बाकी गर्मी लगती है फिर। दीवाना थोड़ा टाइट है जो क्यों खुल गया। इन्हें धो दूंगी और इसको पोंछ के फिर धूल दें इसके अंदर। बोल्ट संभाल के रखने पड़ेंगे, छः है बोल्ट, 1 2 3 4 5 6 बोल्ट है, 6 नट्स से हैं। यहाँ पे देखिए पूरी भी बन गई और आलू भी चट हो गए, पूरी देखिए ये बन गई हमारी पूरी गरम गरम। बस ये 2 बची हैं, गीला हो गया आकर रखे रखे। बस ख़त्म, पूरी एंड हो गया, बना लें गरम गरम, फिर खा लें हम भी। और ये देखो क्या लेके आई हो, चलो फिर हम भी खा लेते हैं। तो मैं भी बस लाई हूँ अपने लिए, देखिए, और खाने जा रही हूँ, और इस ब्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ। करीब 2 बज गया है, बहुत टाइम हो गया आज पापड़ वगैरह के चक्कर में। उसके बाद मैं देखो शायद आज बाजार जाऊँगी, लेकिन उस वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आज दिन भर हो गया, बिल्कुल थक गई हूँ बहुत ज़्यादा दिन भर मैंने, क्योंकि ऑन कैमरा काम नहीं किया था, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता, तो सारा काम मेरा हो गया, कपड़े वगैरह भी, पापड़ चिप्स भी टूट गए हैं, और मीठे चिप्स रह गए हैं वो तोड़ेंगे वो व्रत वाले बाद में। तो चलिए खा लेते हैं, बहुत देर से भूख लग रही है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चलो ठीक है, बाय।